A very warm welcome to all of you. My name is Anshul Tyagi and this is my YouTube channel. So, आज हम complete करने वाले हैं part 4 of BPCC 102 unit 1 that is introduction to biopsychology. तो इससे पहले part 1, 2 and 3 आ चुके हैं. This is the last part for this particular unit and after this, this particular unit will be completed from start to end and including many conceptual clarity and content. जितना भी अब तक के लिए आपके लिए सब कुछ important था, diagrams, flowchart, सब कुछ है, right? Now let us start with this amazing session. You would be finding it quite productive and helpful. Agar if you have like watched the previous parts, because it would set a context for you and make you like understand the last certain three topics that we would be understanding in this particular unit or this particular part four. So let's get started. I would recommend ke please do watch part 1, 2 and 3 and specifically part 3 if you want to understand this particular part. And without prior knowledge, please do not enter in this particular session because it is very mandatory for you. So, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्रेन इमेजिंग से या फिर न्यूरो इमेजिंग भी जिसको कहा जाता है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जब हम बात करते हैं ब्रेन की. आज के टाइम के अंदर ब्रेन इमेजिंग इज लाइक वेरी रैम्पेंटली यूज्ड. जो हमारे पुराने मेथड्स थे या ओल्डर मेथड्स थे उनको आजकल हम उतना यूज नहीं करते हैं एज कम्पेयर टू दीज एडवांस मेथड्स टू एनालाइज और टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ अ ब्रेन या फिर किसी भी स्पेसिफिक डिजीज या ट्रोमा को अगर हमें समझना हो तो, राइट. अब हम पहले समझेंगे कि जब हम बात करते हैं ब्रेन इमेजिंग की, ठीक है, तो दो तरीके की इमेजिंग होती है. दो तरीकों से हम ब्रेन की इमेजेस तैयार करते हैं या फिर चीजों को समझने की कोशिश करते हैं. तो पहला तो है स्ट्रक्चरल इमेजिंग और दूसरा है फंक्शनिंग इमेजिंग. स्ट्रक्चरल इमेजिंग से आपको समझ में आ रहा होगा स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल से फंक्शनिंग से फंक्शन. तो स्ट्रक्चर इमेजिंग में क्या होता है, द इमेजेस, इट बेसिकली इमेजेस द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन. बेसिकली ब्रेन का क्या स्ट्रक्चर है, राइट. ब्रेन किस हिसाब से आपका स्ट्रक्चर लेके बैठा है उसको यहाँ पे हम जो है उसकी इमेजेस तैयार करते हैं. इट डायग्नोसिस इंजरी, कोई भी अगर हमें चोट पहुंची है या डिजीज है हमारे ब्रेन के अंदर, ये उसको डिटेक्ट करने में हेल्प करता है. जो बात आती है फंक्शनिंग इमेजिंग की, तो इट बेसिकली हेल्प्स टू अंडरस्टैंड फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन. ब्रेन के पार्ट्स की क्या फंक्शनिंग है इसको समझने के लिए फंक्शनिंग इमेजिंग यूज होती है. इट डायग्नोसिस बेसिकली द प्रोसेसेस रिलेटेड टू मेटाबॉलिज्म, ब्रेन डिसऑर्डर एटसेट्रा एंड एटसेट्रा. लाइक जो फंक्शनिंग के अंदर जो डिफिकल्टीज आते हैं ब्रेन के अंदर, कि ब्रेन डिसऑर्डर हो गया या ब्रेन के मेटाबॉलिज्म में डिफिकल्टीज आ गई, तो ये सब कुछ जब हमें समझना होगा तो हम फंक्शनिंग इमेजिंग को यूज करते हैं, राइट. सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड व्हिच शोज दैट जो पहली चीज हम यूज करते हैं ब्रेन इमेजिंग को बनाने के लिए, जो कि आजकल बहुत ही हर एक हमने बहुत ही ग्राउंड लेवल पे हमने इसको देख लिया है और वो सब ने देखा होगा, एक्सरे. तो एक्सरे क्या होता है, एक्सरे एक्सप्लोर करता है द रीजन बिहाइंड द न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट. बेसिकली आपके माइंड के अंदर जो डिफिकल्टीज आ रही हैं, जो कमी आ रही है, डेफिसिट आ रही है न्यूरोलॉजिकल सेंस के अंदर, उसको एक्सप्लोर करने के लिए या पहचानने के लिए एक्सरे का यूज होता है, ठीक है. इट इज लाइक दो तरीके की एक्सरेज यूज होती हैं इस पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर. एक होती है कन्वेंशनल एक्सरे और दूसरी होती है कंट्रास्ट एक्सरे. जो कन्वेंशनल एक्सरे होती है, इन दैट ओनली अ स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन दैट एब्जॉर्ब्ड द एक्सरे रे इज ऑब्जर्व्ड. बेसिकली ब्रेन का सिर्फ वो हिस्सा हम इसके अंदर डिटेक्ट कर पाते हैं जो कि एक्सरे को एक तरीके से एब्जॉर्ब कर चुका होगा. सिर्फ वही हिस्सा हम इस पर्टिकुलर कन्वेंशनल एक्सरे के अंदर डिटेक्ट कर पाते हैं. सो इट डू नॉट हेल्प इन ऑब्जर्विंग न्यूरल एक्टिविटी ऑफ अ पेशेंट. इसके अंदर क्योंकि सिर्फ हम ऑर्गन्स की फंक्शनिंग को इन डेप्थ की जो एक्टिविटी है, न्यूरल एक्टिविटी जो है कि न्यूरॉन्स की कैसे फंक्शनिंग चल रही है, वो हम इस पर्टिकुलर एक्सरे के थ्रू नहीं समझ पाते हैं,
ठीक है। फिर आता है कंट्रास्ट एक्सरे। सो कंट्रास्ट एक्सरे के अंदर क्या होता है, दो तरीके के लाइक सिस्टम होते हैं ब्रेन के, एक तो सेरेब्रल वेंट्रिक्यूलर सिस्टम और एक होता है सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ब्रेन, इनको ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, इस पर्टिकुलर कंट्रास्ट एक्सरे के थ्रू हम न्यूरल डिसऑर्डर्स को भी समझ सकते हैं जो कि हमारे ब्रेन के अंदर लाइक एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि हम ना जो कंट्रास्ट एक्सरे है उसको और थोड़ा डेप्थ में समझेंगे यूजिंग दिस नेक्स्ट स्लाइड विच इज ओवर हियर, कि कंट्रास्ट एक्सरे ना उसका जो मेन फंक्शनिंग है वो होती कैसी है, लाइक जनरल फंक्शनिंग कैसे होती है। तो उसमें होता है कि एक जो सब्सटेंस है वो ब्रेन के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, मतलब पार्ट ऑफ बॉडी के जिसके ऊपर हमें कंट्रास्ट एक्सरे यूज करना है वहां पे इस सब्सटेंस को इंजेक्ट किया जाता है थ्रू इंजेक्शंस। फिर क्या होता है, वो एरिया जो कि इस सब्सटेंस को एब्जॉर्ब कर चुका होगा वो एब्जॉर्ब लाइक जिस पर्टिकुलर एरिया में ये सब्सटेंस आ चुका है वो एरिया एब्जॉर्ब करने लग जाता है एक्सरे को, और बेसिकली मोर और लेस सराउंडिंग टिश्यूज भी उसको एब्जॉर्ब करने लग जाते हैं एक्सरेज को। देन इट क्रिएट्स एंड कंट्रास्ट लाइक डेवलप करता है और कंट्रास्ट कंपेयर करके देखता है ड्यूरिंग एक्सरे फोटोग्राफी। ठीक है, अब एक्सरे कंट्रास्ट एक्सरे को करने के दो तरीके होते हैं, एक तो होता है न्यूमो एनसेलो एनसेफेलोग्राफी। ठीक है, ये इसके अंदर हम पुराने रेडियोग्राफिक टेक्निक्स को यूज करके कंट्रास्ट एक्सरे को कंडक्ट करते हैं। फिर आता है सेरेब्रल एंजियोग्राफी, इसके अंदर हम बेसिकली लोकलाइज करते हैं, बेसिकली लोकेशन डिटेक्ट करते हैं वैस्कुलर डैमेज को, और डिटेक्ट करता है ये ट्यूमर को। ठीक है, ब्रेन के अंदर ट्यूमर है तो हम उसको भी डिटेक्ट कर पाते हैं। इसको ज्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है कि वैस्कुलर डैमेज क्या होता है या ये सब कुछ क्या होता है, ये अभी आपके लिए काम करेंगे इस पर्टिकुलर यूनिट के बेसिस पे। ठीक है, सो कुछ शायद अब आपके लिए इमेजेस आएंगी वैस्कुलर डैमेज वगैरह की, कि ये होता है वैस्कुलर डैमेज। ये बुक में नहीं है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे जो लाइक कंटेंट है उसमें एक्स्ट्रा मिलेगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, सो आई गेस आपको ये हेल्पफुल रहेगा। सो वैस्कुलर डैमेज इन ब्रेन, so this term vascular damage basically describes problems with reasoning, planning, judgment, memory or thought processes, like जो भी हमारे brain के like cognitive aspects के अंदर जो difficulties आती है ना, which are basically caused by brain damage, तो इन सबको like ये जो brain damage जिसकी वजह से हमारे cognitive functioning में difficulties आती है उसको हम कहते हैं vascular damage in the ब्रेन। ठीक है, सो ये कुछ इस तरह होता है, लेट मी शो यू लाइक कंप्लीटली। तो इट इज बेसिकली कॉज्ड बाय ब्रेन डैमेज फ्रॉम इम्पेयर्ड ब्लड फ्लो टू योर ब्रेन, लाइक ब्लड फ्लो जो है उसके अंदर डिफिकल्टीज आने लग जाती है या फिर डिफरेंसेस आने लग जाते हैं, उसकी वजह से आपका वैस्कुलर डैमेज होता है ब्रेन के अंदर, और उसकी वजह से आपकी बहुत सारी जो कॉग्निटिव एक्टिविटीज है लाइक रीजनिंग, प्लानिंग, जजमेंट, मेमोरी, थॉट प्रोसेसेस, ये सब कुछ लाइक इनके अंदर डिफिकल्टीज आने लग जाती है, खराब होने लग जाते हैं। ठीक है, अब आता है, एक तो हमने देखा ब्रेन इमेजिंग के अंदर एक तो एक्सरे था, एक जो हमारा है वो है सिटी स्कैन। तो सिटी स्कैन के अंदर क्या होता है, ये भी आपने नाम सुना होगा कि सिटी स्कैन के अंदर हम डायग्नोस कर पाते हैं, बेसिकली पहचान पाते हैं ब्लड क्लॉट्स को। ब्लड क्लॉट्स क्या होते हैं, ब्लड जो है जहाँ पे रुक जाता है, जिस पर्टिकुलर सरफेस पे वो जम जाता है, ट्यूमर्स को, सेसिलोरोसिस को, इंटरनल इंजरी को। ठीक है, इस पर्टिकुलर सिटी स्कैन में होता क्या है कि एक तो एक्सरे डिटेक्ट लाइक एक्सरे जो है लाइक डेवलप की जाती है और कंप्यूटर का यूज किया जाता है। एक्सरे और कंप्यूटर को यूज करके हम ब्रेन या बॉडी के किसी भी ऑर्गन के लाइक स्ट्रक्चर को हम डिटेक्ट कर पाते हैं, समझ पाते हैं। इसके अंदर क्या होता है फंक्शनिंग जैसे प्रोसीजर क्या होता है इस पर्टिकुलर सिटी स्कैन का, तो इसके अंदर एक सिलेंड्रिकल रिंग होती है, बहुत बड़ा सा एक स्ट्रक्चर होता है सिलेंड्रिकल शेप का, उसके अंदर जो है पर्सन को लाइक ले डाउन कर दिया जाता है बेड के ऊपर एंड एक्स उसको लाइक अंदर भेजा जाता है मशीन के अंदर, एंड एक्सरे को जो है जो एक्सरे है वहां पे रिलीज की जाती है ऑल ओवर तरीके से, और बेसिकली एक्सरे इनसाइड जो है वो डिटेक्ट कर पाती है और रोटेट करती है लाइक एक्सरे ऑल ओवर लाइक 360 डिग्री से एक्सरे
जो रिलीज की जाती है और एक ऑल एंगल्ड फोटोग्राफ जो है वो ली जाती है। हर तरीके से फोटोग्राफ को कैप्चर किया जाता है उस पर्टिकुलर ब्लैक बॉडी ऑर्गन के, एंड इट इज कलेक्टेड थ्रू कंप्यूटर। कंप्यूटर के थ्रू सिटी स्कैन को कलेक्ट किया जाता है और एक 3D पिक्चर हमें निकल के आ जाती है ब्रेन की उस पर्टिकुलर ऑर्गन की जो हमें असेस करना है। ठीक है, तो इसके कुछ इमेजेस हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि इस तरह एक मशीन के अंदर ऐसे लेके जाया जाता है। अगर आपको कोई इंटरनल ऑर्गन का करना है तो ये फर्स्ट इमेज है। अगर आपको ब्रेन की फंक्शनिंग को देखना है तो इस हिसाब से एक्सरे की एक्सरेज आपके ऊपर लाइक छोड़ी जाती है। तो ये एक सिटी स्कैन का लाइक बेसिक स्ट्रक्चर है जो आप समझ सकते हैं। फिर हम देखते हैं ब्रेन इमेजिंग के अंदर हमारा एक और पार्ट आता है जो कि है MRI। MRI का भी आपने नाम सुना होगा, इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग। आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो इसके अंदर MRI के अंदर हम एक डिटेल्ड व्यू ले पाते हैं ब्रेन का, एंड इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो तैयार किया जाता है जिसके थ्रू इमेजेस गैदर की जाती है फ्रंटल और हॉरिजॉन्टल प्लेन्स की, लाइक दोनों हॉरिजॉन्टली एंड फ्रंटल तरीके से, लाइक फ्रंट के एस्पेक्ट्स को और हॉरिजॉन्टली आपके जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी लाइक इमेजन को निकाला जाता है। इसके अंदर आपको डिटेल्ड और क्लियर इमेजेस मिल जाती हैं, पिक्चर्स मिल जाती हैं। इसके अंदर आप ये भी डिटेक्ट कर सकते हैं कि ब्लड ऑक्सीजन का किस तरीके से फ्लो हो रहा है ब्रेन के एक्टिव रीजन के अंदर। फिर आप देख पाते हैं कि इसके अंदर हाई इमेज रेजोल्यूशन होते हैं, बेसिकली हाई क्वालिटी इमेजेस होती है, और इसके थ्रू आप क्या कर पाते हैं, क्योंकि क्वालिटी इमेजिंग की बहुत अच्छी है, आप जो चेंजेस होते हैं ब्रेन के अंदर वो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। MRI का मतलब बेसिक सेंस ये होता है। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ पार्ट विच इज ओवर हियर, पोजिशन लाइक पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो होता है PET, लाइक PET. So it basically detects the changes in metabolic activity of the brain. Brain की metabolic activity होती है, like जो process होता है, हमने metabolism starting में पढ़ा था part 3 के, वहाँ पे जो important key terms हमने like समझी थी, तो वहाँ पे हमने metabolism के बारे में पढ़ा था। तो ये जो PET होता है, इसके through हम जो brain की metabolic activity होती है, उसको हम detect कर पाते हैं। तो ब्रेन की मेटाबॉलिक एक्टिविटी में होता क्या है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये बुक के अंदर नहीं है, यू कैन लाइक अंडरस्टैंड इट बिकॉज ये बहुत हेल्प करेगी। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ ब्रेन बेसिकली कंसिस्टेंट रहती है टाइम के ऊपर, टाइम के ओवर लाइक हर टाइम एक जैसी रहती है। तो ये जो एक्टिविटी होती है इसके अंदर होता क्या है कि आपका जो ग्लूकोज होता है उसकी ऑक्सीडेशन होती है, बेसिकली ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, रिजल्टिंग के आपको बहुत ही एनर्जी का लाइक एनर्जी प्रोडक्शन होती है जो कि आपके ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन द फॉर्म ऑफ ATP। ATP के फॉर्म में एनर्जी को लाइक प्रोड्यूस किया जाता है, ऑक्सीजन लाइक ग्लूकोज जो आपने लाइक खाना कंज्यूम किया है उसके अंदर जो ग्लूकोज होता है उसका ब्रेक डाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के अंदर, और फिर हम बेसिकली ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू हम जो है ATP एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से ब्रेन की फंक्शनिंग को सप्लीमेंटेशन मिलती है। तो इसके अंदर हम डिटेक्ट करते हैं, PET के थ्रू हम डिटेक्ट करते हैं कि ब्रेन की मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अंदर क्या चेंजेस आ रखे हैं। यहाँ पे कोई भी आपको स्ट्रक्चरल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, ब्रेन के स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई भी आपको लाइक इमेजेस वगैरह नहीं मिलती है। ब्रेन की जो एक्टिविटी है ना, ब्रेन की फंक्शनिंग है वो असेस की जाती है, मतलब कि फंक्शनल ब्रेन इमेजेस निकाली जाती है। ये इनवेसिव मेथड होता है, इनवेसिव मतलब इसके अंदर आप भी थोड़ा सा रिस्की हो जाता है क्योंकि इसके अंदर आपको डैमेज भी हो सकता है आपके उस पर्टिकुलर ऑर्गन को। इसके अंदर आपको रेडियो एक्टिव 2G जो हमने पार्ट 3 के अंदर पढ़ा था, रेडियो एक्टिव 2G को इंसर्ट किया जाता है और पेशेंट उसको ऑब्जर्व करता है उसके टिश्यूज और सेल, और उसको एक टास्क के अंदर जो है एम्प्लॉय किया जाता है, मतलब कि उसके अंदर केमिकल्स को डाला जाता है, बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, टिश्यूज उसको ऑब्जर्व करते हैं और पेशेंट को एक टास्क दे दिया जाता है करने को। फिर क्या होता है, ब्रेन की इमेजेस निकाली जाती हैं उन पार्ट्स की जो कि उस पर्टिकुलर टास्क में इस टाइम पे काम करने में लगी हुई है,
तो ब्रेन की फंक्शनिंग समझी जाती है कि हमने टास्क दे रखा है और विद द हेल्प ऑफ दोज रेडियोएक्टिव ड्रग्स हम जो है डिटेक्ट भी कर पाएंगे कि ब्रेन का ऑर्गन फंक्शनिंग कैसे कर रहा है। ये वाले जो पीईटी जो एक लाइक मेथड है ये एक्सपेंसिव होता है क्योंकि ये हॉस्पिटल्स के अंदर रिसर्चेस के अंदर यूज होता है, लाइक इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, तो जनरली इसको लोग थोड़ा सा लाइक नहीं यूज करते, पर ऑब्वियसली जिसको लाइक रिसर्च वगैरह में करना होगा लाइक पीईटी के थ्रू जो भी डिटेक्शन निकालनी होगी वो इसको यूज भी करते हैं, लेकिन ये एक्सपेंसिव रहता है बाकी जो हमारे मेथड्स हैं उनसे कंपैरेटिवली, और ये थोड़ा सा रिस्की भी रहता है क्योंकि ये इनवेजिव होता है, इसके अंदर आपके बॉडी ऑर्गन को या टिश्यूज को डैमेज पहुंच सकता है। फिर आती है बात फंक्शनल एमआरआई की, एफएमआई, एफ स्मॉल है एमआरआई। एफएमआरआई के अंदर क्या होता है, ये लेस एक्सपेंसिव होता है और ये लेस रिस्की भी होता है पीईटी से, बहुत कम रिस्की होता है। इसके अंदर क्या करते हैं, आपके ब्लड का फ्लो जो चेंज हो रहा है आपके ब्लड का फ्लो ब्रेन के अंदर उसको समझने को एसेस करने के लिए बेसिकली करा जाता है। इसके अंदर आपका जो है कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस प्लस में मेडिकल डायग्नोसिस को यूज करके आपका ब्लड का फ्लो जो है पहचाना जाता है, ठीक है, दोनों डायमेंशन को यूज करके एम्प्लॉय करके आपका जो लाइक ब्लड फ्लो है ब्रेन के अंदर वो देखा जाता है। फिर बात आती है डिफ्यूजन टेंसर इमेजिंग के अंदर, DTIs को कहते हैं। एक तरीके से ये डिटेक्ट करने के लिए या आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है ऑल दोज पाथवेज, वो रास्ते या वो पर्टिकुलर लोकेशन अलोंग विच वॉटर डिफ्यूजर्स, लाइक वॉटर डिफ्यूजन जो होती है ब्रेन के अंदर उसको डिटेक्ट करने के लिए DTI को यूज किया जाता है। और इसके अंदर आपके ट्रैक्ट्स की जो ट्रैक्ट्स क्या होते हैं कलेक्शन होती है एक्सोन्स की इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये भी पार्ट 3 में समझाया था। तो इसके अंदर ट्रैक्ट्स की इमेजेस को डेवलप किया जाता है, उनको निकाला जाता है, ये बेसिकली हेल्प करता है लोकेट करने में और एक तरीके से ओरिएंटेशन लेने में न्यूरल एक्सोन्स की। न्यूरल एक्सोन्स क्या होते हैं, ये पार्ट 1 में है ऑफ यूनिट 2 जो कि आपको प्लेलिस्ट BPCC 102 में मिल जाएगा, ठीक है। सो हाउ डिफरेंट एरियाज ऑफ ब्रेन आर कनेक्टेड टू ईच अदर, ये भी इस बेसिकली इस पर्टिकुलर न्यूरल एक्सोन को जो हम लोकेट करते हैं ये समझते हैं कि कैसे ब्रेन के सारे एरियाज एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। और वैसे ये सब कुछ कनेक्शन होता है सेल्स के थ्रू, और जो हमें अपने ब्रेन के अंदर सेल मिलते हैं उनको कहते हैं न्यूरॉन्स, एक तरीके से उसके अंदर एक्सोन्स होते हैं, तो ये सारा एक तरीके से प्रोसीजर होता है, ठीक है। अभी आपको इतना ही समझने के लिए इम्पोर्टेंट है। Now let's move to next, that is basically transcranial magnetic stimulation. The transcranial magnetic stimulation भी एक पार्ट है अपने ब्रेन इमेजिंग का या न्यूरो इमेजिंग का, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं TMS। और इसके अंदर क्या करते हैं, इसको जो है जो कॉग्निटिव जो अपना लाइक ब्रेन का कॉर्टेक्स हिस्सा है, ठीक है, उसको लाइक हम उस इट बेसिकली टर्न्स ऑफ द कॉर्टेक्स पार्ट्स इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार किया जाता है, और जो उस मैग्नेटिक फील्ड उस इलाके में जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार गया है उसके नीचे जो न्यूरॉन्स काम कर रहे हैं उनको इनएक्टिवेट किया जाता है, ठीक है। एक तरीके से एक मैपिंग टेक्निक होती है, मैपिंग मतलब कि मैपिंग टेक्निक या फिर जो बेसिकली लोकेशन फाइंड करने में हेल्प करती है, जिसके थ्रू बेसिकली ये मैपिंग टेक्निक होती है जो हमने बताया था, इसके थ्रू हम मैग्नेटिक फील्ड तैयार करते हैं ब्रेन की कॉर्टेक्स के ऊपर, मतलब कि इट इज बेसिकली प्लेस्ड ऑन मोटर कॉर्टेक्स और अलग अलग जगह जो रीजन है ब्रेन की उनको स्टिमुलेट किया जाता है, ट्रिगर किया जाता है एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स देने के लिए, एक्टिवेट किया जाता है फिर उस एरिया को। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर मेथड के अंदर इट हेल्प्स टू लोकेट रीजन सच एज कॉर्टिकल स्ट्रिप जो है उसको यूज करके हम रीजन को लोकेट कर पाते हैं, मसल मूवमेंट समझ पाते हैं, ट्विचेस को हम डिटेक्ट कर पाते हैं, और ये सब कुछ जो है कॉन्ट्रालेटरल साइड पे होता है, बॉडी के कॉन्ट्रालेटरल साइड पे हमें देखने को मिलता है, ठीक है। कॉन्ट्रोलेटरल साइड क्या होता है और इसका अपोजिट साइड होता है, ये सब कुछ अभी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है,
आपको समझना है कि बॉडी को हमने दो साइड में डिवाइड कर रखा है, एक तो कॉन्ट्रोलेटरल है और एक और इसका अपोजिट है जो आई से स्टार्ट होता है. सो कॉन्ट्रोलेटरल साइड पे बेसिकली आपकी कॉर्टिकल स्ट्रिप्स जो होती है, अभी आगे मैं इमेज दिखाऊंगी, उसको लाइक कॉर्टेक्स के उस हिस्से पे लगाया जाता है. मसल मूवमेंट ट्विचेस वगैरह को डिटेक्ट किया जाता है, स्टिमुलेट किया जाता है, कुछ होता है. देन हाउ बेसिकली इसमें समझा जाता है कि हाउ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स मैप ऑन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स. बेसिकली हमारा जो कॉर्टेक्स का इलाका होता है ना, जो ब्रेन के अंदर कॉर्टेक्स होता है, उसका मैं आपको फिगर दिखाती हूँ पहले, और एक बार ये पढ़ देती हूँ दैट हाउ मच कॉर्टेक्स इज डिवोटेड टू अ बॉडी पार्ट, कि कॉर्टेक्स का कितना हिस्सा किस बॉडी पार्ट के लिए डिवोटेड होता है. और ये इसका डिसएडवांटेज होता है इस मेथड का, कि इतना इफेक्टिव नहीं होता सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर तक पहुंचा जाए. सब कॉर्टिकल मतलब कि कॉर्टिकल इलाके के जो नीचे का हिस्सा है, जो इंटरनल हिस्सा है, वहां तक इसके थ्रू हम नहीं रीच आउट कर पाते हैं. सो लेट मी शो यू द इमेजेस एंड एक्सप्लेन यू द थिंग्स मोर क्लियरली. सो ये हमारे कॉर्टिकल स्ट्रिप्स होते हैं, ये जो वायर्स आप देख रहे हैं इनको कहते हैं हम कॉर्टिकल स्ट्रिप्स. ब्रेन जो आपने बेसिक स्ट्रक्चर देखा है, इसके इस हिस्से में इसको हम कहते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स. बेसिकली कॉर्टेक्स यहाँ पे सिचुएटेड होता है. तो इसके ऊपर ये सारे जो है डिवाइसेस अपने इम्प्लांट किए जाते हैं. और क्या होता है कि इस पर्टिकुलर कॉर्टेक्स के स्पेसिफिक स्पेसिफिक एरियाज जो है एक एक बॉडी पार्ट की फंक्शनिंग के लिए लाइक जिम्मेदार होते हैं. लाइक एक एक बॉडी पार्ट की जो फंक्शनिंग है कॉर्टेक्स के एक एक इलाके से रिलेटेड होती है. तो कौन सा कॉर्टेक्स का हिस्सा कौन सी बॉडी पार्ट की फंक्शनिंग के लिए इम्पोर्टेंट होता है, इसको हम डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं इस पर्टिकुलर लाइक मेथड के थ्रू. और इसके अंदर हम ये वायर्स वगैरह का यूज करते हैं. नाउ लेट मी लाइक शो यू मोर लाइक इम्पोर्टेंट पिक्चर्स रिलेटिंग टू इट. ये भी सब कुछ सेल्फ लाइक आई हैव फाउंड आउट एंड लाइक व्हाट यू हैव. तो अगर आपको और डिटेल हिस्सा दिखाऊं तो ये है वो हिस्सा जिसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स. पर्पल एंड क्रीम कलर का जो हिस्सा है इसको हम बोलेंगे कॉर्टेक्स. ठीक है, इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, मोटर कॉर्टेक्स और सेंसरी कॉर्टेक्स. तो ये जो कॉर्टेक्स का हिस्सा है, अगर हम इसको स्लाइस आउट करके बाहर निकालें, तो कॉर्टेक्स का ये जो पीछे का हिस्सा है ना, ये फुट के लिए होता है. आपके पैरों की फंक्शनिंग को ये संभालता है. ये वाला जो हिस्सा है ये आपके हिप्स की फंक्शनिंग को संभालता है, लाइक थाइज और हिप्स का. फिर आपका जो है ये हिस्सा जो है ये आपके ट्रंक का होता है. ट्रंक मतलब आपके जो बीच का हिस्सा होता है, लोअर पीछे जाने से पहले जो आपका हिस्सा है ट्रंक, ये वाला जो कॉर्टेक्स का हिस्सा है ये आपके आर्म्स के लिए होता है. ये वाला जो हिस्सा है ये आपके हैंड्स की फंक्शनिंग को संभालता है. ये वाला जो हिस्सा होता है कॉर्टेक्स का, ये आपके फेस की स्ट्रक्चर को संभालता है. ये वाला जो हिस्सा होता है ये आपके टंग की फंक्शनिंग को संभालता है. और ऐसे कर करके ये जो हिस्से अपने बॉडी के हैं ये सारे बटे हुए होते हैं इस पर्टिकुलर कॉर्टेक्स के ऊपर. मतलब कि अगर आप उसको विजुअलाइज करेंगे थोड़ा सा, तो ये अपना कॉर्टेक्स है. यहाँ के हिस्से को, ये हिस्से को, ये हिस्से को, ये ऐसे बटे हुए हैं. ठीक है, हर एक हिस्से की, हर एक हिस्सा एक बॉडी पार्ट की फंक्शनिंग को संभालता है. तो ये कैसे, कौन सा बॉडी पार्ट कौन से कॉर्टेक्स के हिस्से के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये सब कुछ हम बेसिकली इस पर्टिकुलर मेथड के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. सो हाउ डिफरेंट बॉडी पार्ट मैप ऑन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के कौन से पार्ट पे कौन सा बॉडी पार्ट का रोल होता है वो देखने के लिए. हाउ मच कॉर्टेक्स इज डिवोटेड टू अ बॉडी पार्ट एंड डिसएडवांटेज होता है कि सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर मतलब कॉर्टेक्स का ऊपर ऊपर का जो स्ट्रक्चर है उस तक हम डिटेक्ट कर पाते हैं इंटरनली, हम इसके लिए इसके थ्रू TMS के थ्रू नहीं जा पाते. ठीक है, तो ये पर्टिकुलर मेथड हो गया ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन TMS. नाउ लेट्स मूव ऑन टू लाइक नेक्स्ट स्लाइड व्हिच इज न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट. दिस इज द सेकंड लास्ट टॉपिक फॉर दिस पर्टिकुलर यूनिट. एंड न्यूरो साइकोलॉजिकल असेसमेंट में बेसिकली हम जो है इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं वेरियस चीजों के लिए. लेट मी जस्ट शो यू कि ये स्लाइड आगे पीछे हो गई है. दिस पर्टिकुलर स्लाइड इज वर्थ वी विल स्टार्ट विद. सो एक सेकेंड, तो
पहले इस स्लाइड को समझते हैं कि न्यूरो साइकोलॉजिकल जो असेसमेंट है, ठीक है, इसके थ्रू हम करते क्या है, इसके थ्रू हम असेस कर पाते हैं, मतलब नाप पाते हैं द अमाउंट ऑफ इम्पेयरमेंट इन बिहेवियर, जो बिहेवियर में डिफरेंसेस आए हैं या फिर कॉग्निटिव एबिलिटीज में एक ब्रेन इंजरी या डैमेज के बाद, बेसिकली एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को जो है ब्रेन इंजरी होती है, ब्रेन के अंदर कोई डैमेज होता है और उसके वजह से उसके ब्रेन, उसका जो बिहेवियर है उसके अंदर डिफरेंसेस आने लग जाते हैं या फिर उसकी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज है, एक्टिविटीज है, वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो कितने अमाउंट पे बिहेवियर में डिस्टर्बेंस आया है या कैसे कॉग्निटिव एबिलिटीज उसकी लाइक इम्पेयर हुई है, ये सब कुछ समझने के लिए हम न्यूरो साइकोलॉजिकल असेसमेंट को यूज करते हैं, ठीक है। इस पर्टिकुलर असेसमेंट मेथड लाइक न्यूरो साइकोलॉजिकल असेसमेंट का फंक्शन क्या होता है, इट बेसिकली असेसेस डिफरेंट कॉग्निटिव फंक्शन, ये अलग अलग कॉग्निटिव फंक्शन को पहचानने की कोशिश करता है, लाइक लर्निंग हो गया, लैंग्वेज हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, सब कुछ। और इसके थ्रू हम फिर समझ पाते हैं कि अगर हमारी फंक्शनिंग अच्छी तरह काम कर रही है, कॉग्निटिव फंक्शनिंग इन सारी चीजों की अच्छी तरह काम कर रही है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपके उस पर्टिकुलर कॉग्निटिव एबिलिटी में कोई ना कोई डिस्टर्बेंस आ गई है ड्यू टू एनी ऑफ द इंजरी और डैमेज, ठीक है। इट बेसिकली इट इज एडमिनिस्टर्ड, स्कोर्ड एंड इवेल्युएटेड। तो ये जो न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट है इसको हम एडमिनिस्टर करते हैं, अप्लाई करते हैं, स्कोर निकालते हैं, इवेलुएट करते हैं और एक कंप्लीट मेंटल स्टेटस जो है पेशेंट का वो हम निकाल देते हैं कि पेशेंट को क्या क्या दिक्कत है, कहाँ कहाँ पे है, किस वजह से है, उसकी वजह से क्या क्या हो रहा है, ठीक है। एक कॉम्प्रीहेंसिव मतलब ओवरऑल पूरे तरीके से एक एग्जामिनेशन की जाती है, बिहेवियरल साइकोलॉजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट बेसिकली इसके अंदर की जाती है। एडवांटेजेस क्या होते हैं, इट बेसिकली हेल्प्स टू डेवलप अ क्लिनिकल ओवरव्यू पेशेंट की कॉग्निटिव स्ट्रेंथ का और डिफिकल्टीज का, कॉग्निटिवली पेशेंट को क्या डिफिकल्टीज आ रही है और क्या उसकी स्ट्रेंथ है, इसका एक लाइक पूरा कंप्लीट क्लिनिकल सेंस में साइंटिफिक तरीके से एक कंप्लीट एनालिसिस करने के लिए हमें बेसिकली ये इसका एक एडवांटेज है कि न्यूरोसाइकोलॉजिकल जो असेसमेंट है बहुत हेल्पफुल रहती है। इट बेसिकली हेल्प्स इन ट्रीटमेंट, ठीक है, ये ट्रीटमेंट में भी हेल्प करता है इन टर्म्स ऑफ मेडिकल और रिहैबिलिटेशन प्रोसेसेस के अंदर। इसके थ्रू हम बेसिकली वैलिड इंफॉर्मेशन निकाल पाते हैं रिगार्डिंग कि व्हाट आर द काइंड्स ऑफ इम्पेयरमेंट, किन इम्पेयरमेंट या किन डिफिकल्टीज की वजह से ब्रेन इंजरी या ब्रेन डैमेज हुआ है। इसके थ्रू हम ये भी डिटेक्ट कर पाते हैं हाउ टू टेक केयर ऑफ डेफिसिट्स, जो कमियां आई हुई है बॉडी के अंदर ड्यू टू डैमेज और लाइक इंजरी ऑफ द ब्रेन, उसका हम ध्यान कैसे रख पाएंगे। हम इंटरवेंशन जो है लेने पड़ते हैं, लाइक इंटरवेंशन होती है वो मेजर्स या वो प्रिवेंटिव मेजर्स जो हमें लेने पड़ते हैं पेशेंट को संभालने के लिए, उनको हील अप करने के लिए, वो क्या क्या है इस पर्टिकुलर लाइक जो हमें डैमेज होता है ब्रेन के अंदर, उसकी वजह से हमारी फंक्शनिंग के अंदर डिफिकल्टी आती है, तो ये सब हम जो है समझने की कोशिश करते हैं। तो इंटरवेंटिव मेथड्स कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। तो इंटरवेंटिव मेथड्स के अंदर हमारा जो मुख्य तौर पे आ जाता है, अब ये जो हमने स्लाइड अभी पढ़ी है उसके बाद ये वाली स्लाइड है, तो इसके बाद हम देखते हैं कि इंटरवेंटिव मेथड के अंदर आ जाता है रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स। रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स के थ्रू क्या करते हैं, हम जिस पेशेंट को ब्रेन इंजरी हुई है या ब्रेन डैमेज हुआ है उनको एक तरीके से एक ऐसा एनवायरमेंट या फिर केयर प्रोवाइड कराते हैं जिसकी वजह से उनकी जो डिफिकल्टीज है वो कम हो जाती है और वो हील अप कर पाते हैं, वो ठीक हो जाते हैं, ठीक है। सो रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स के अंदर हम एलिविएट मतलब रिड्यूस कर देते हैं इम्पेयरमेंट को, इम्पेयरमेंट मतलब जो भी आपको इंजरी हुई है, डैमेज हुआ है, ये किया जाता है बाय रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट। एंड इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के थ्रू हम बेसिकली इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं अबाउट पेशेंट इन वेरियस डोमेन्स, अलग अलग डोमेन्स या अलग अलग एस्पेक्ट से पेशेंट की इंफॉर्मेशन को निकालते हैं। हम डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज करते हैं, सेमी स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर्ड आधे अधूरे स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज यूज करते हैं, उसको बेसिकली एक प्रोसेस या एक टेस्ट या एग्जामिनेशन के थ्रू लेके जाते हैं जिसके थ्रू हम समझ पाते हैं कि पेशेंट को रियल में दिक्कत क्या है
और लास्ट में हम कुछ ऐसे मेजर्स भी निकाल पाते हैं जिसकी वजह से हम उनको ट्रीटमेंट दे पाए। बेसिकली हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होगी जिससे कि हम एक ट्रीटमेंट प्लान तैयार कर पाए उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स का। तो हम डायग्नोस करते हैं प्रॉब्लम को और इंफॉर्मेशन को निकालने की कोशिश करते हैं और एक ट्रीटमेंट प्लान तैयार करते हैं। एंड जो ट्रीटमेंट होती है वो कितनी इफेक्टिव थी, वो कितनी असरदार थी, ये भी हम असेस कर पाते हैं इस पर्टिकुलर लाइक न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट के थ्रू। सो दिस वाज ऑल अबाउट न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट। नाउ बस लास्ट टाइप्स बचा है, लाइक लास्ट टॉपिक, ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट। हमारे पास ना 8 तरीके के न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट दिए हुए हैं बाय द इग्नू हैंडबुक, जिसके थ्रू आप बेसिकली अपने न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट को कर पाएंगे, लाइक जो अलग अलग कॉग्निटिव एबिलिटीज के लिए है। इसके अंदर ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने ऐड नहीं करी है, ऑलमोस्ट ये इन्फॉर्मेशन आपकी बुक से ही है, क्योंकि इसमें ज्यादा आपको चाहिए नहीं, इतनी बहुत रहेगी, क्योंकि ये 8 टेस्ट हैं, कोई भी एक टेस्ट आपसे नहीं पूछा जाएगा, ओवरऑल सारे टेस्ट आपसे पूछे जाएंगे, तो इतना डेटा बहुत ही होगा, लाइक इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। सो पहला है बैचलर्स इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसके थ्रू बेसिकली इसका जो पहला वर्जन था उसका नाम था, जो पहली बार जब भी टेस्ट तैयार किया जाता है इंटेलिजेंस को, नाम से पता चल रहा है, इसके थ्रू हम जो एक कॉग्निटिव एबिलिटी है इंटेलिजेंस, इसको मेजर करने की कोशिश करेंगे, राइट। सो इसका पहला वर्जन जो है बैचलर्स बेलेव्यू इंटेलिजेंस स्केल से नाम से प्रसिद्ध था। फिर ये पर्टिकुलर जो टेस्ट है ये पब्लिश किया गया था 1939 में बाय डेविड बैचलर, और ये तैयार किया गया था जिससे कि ये मेजर कर पाए इंटेलेक्चुअल परफॉर्मेंस को एडल्ट्स की, कि जो एडल्ट्स होते हैं उनकी जो मेंटल फंक्शनिंग कैसी है इंटेलिजेंस के सेंस के अंदर। फिर बार बार रिपीटेडली इसके जो स्केल है, लाइक इस टेस्ट को जो है रिवाइज किया गया था और इसको लाइक इसके अंदर चेंजेस किए गए थे। अब हमारे पास इस पर्टिकुलर टेस्ट का लाइक 3rd एडिशन चल रहा है। सो द बैचलर्स एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल है एक तो हमारे पास, जिसका लाइक शॉर्ट फॉर्म ये है। फिर है द बैचलर्स इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन, हमने बच्चों के लिए भी लाइक चिल्ड्रन के लिए भी तैयार इसको रिवाइज करके डेवलप कर रखा है, उसका भी 3rd एडिशन चल रहा है 6 to 16 ईयर्स ओल्ड तक के लिए। एंड वी हैव बैचलर्स प्री स्कूल एंड प्राइमरी स्केल ऑफ इंटेलिजेंस, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए भी ये टेस्ट डेवलप कर रखा है, तो 4 to 6.5 ईयर्स तक के बच्चों के लिए भी ये जो है इंटेलिजेंस टेस्ट हमारे पास है। तो छोटे प्राइमरी स्कूल के लिए, चिल्ड्रन के लिए और फिर एडल्ट्स के लिए, तीनों कैटेगरी के लिए हमारे पास ये इंटेलिजेंस टेस्ट है, जिसके थ्रू हम उनके इंटेलेक्चुअल परफॉर्मेंस को असेस कर पाते हैं, राइट। तो ये था बैचलर्स के टेस्ट के बारे में। नाउ लेट्स मूव टू सेकेंड टेस्ट, विच इज द हॉलस्टेड रेटन न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट बैटरी। टेस्ट बैटरी क्यों बोला जाता है? सी, बैटरी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें सिर्फ एक टेस्ट नहीं होता, इसमें नंबर्स ऑफ टेस्ट होते हैं अलग अलग, मतलब बहुत सारे टेस्ट होते हैं अलग अलग, उनको कंबाइन करके पूरी पूरी बैटरी तैयार की जाती है, कंप्लीट कलेक्शन तैयार की जाती है। तो ये एक तरीके से इट इज अ सेट ऑफ न्यूरोसाइकोलॉजिकल मेजर, एक तरीके से न्यूरोसाइकोलॉजिकल मेजर है जिसके अंदर आपको ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ही दिखेंगे इस पर्टिकुलर टेस्ट को कंडक्ट करवाते हुए, ठीक है। इसके थ्रू हम असेस कर पाते हैं, मेजर कर पाते हैं मेजर जो मुख्य कॉग्निटिव, सेंसरी, एक्सप्रेसिव और मोटर फंक्शनिंग होती है एक इंडिविजुअल की, उसको हम नाप पाते हैं इस पर्टिकुलर टेस्ट के थ्रू। ये वाला जो टेस्ट है ये बहुत ही रिलायबल है, किसी भी साइकोलॉजिकल टेस्ट को ना रिलायबल होना बहुत जरूरी है, वैलिडिटी उसके पास होनी बहुत जरूरी है। तो ये वाला जो टेस्ट है इसकी हाई रिलायबिलिटी है और वैलिडिटी है यंग और ओल्ड एज ग्रुप्स के लिए। तो मतलब ये जो टेस्ट है ये बहुत ही रिलायबल है, मतलब कि इसके अंदर आपको कंसिस्टेंट स्कोर मिलेगा थ्रू आउट द टेस्ट, और वैलिड इसलिए है कि ये टेस्ट वही मेजर करता है जो कि ये क्लेम करता है, जो कि ये कहता है कि मैं ये मेजर करता हूँ, ये वही टेस्ट वही मेजर करता है, तो इसलिए वैलिड भी है।
ठीक है, तो ये रिलायबल और वैलिड है. नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टेस्ट व्हिच इज द थर्ड टेस्ट व्हिच इज द लोरिया नेब्रास्का न्यूरोसाइकोलॉजिकल बैटरी. तो ये वाले टेस्ट के अंदर क्या होता है, ये तरीके से एक स्टैंडर्डाइज्ड बैटरी न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट है. स्टैंडर्डाइज्ड बैटरी है, कलेक्शन है न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट का, जिसके थ्रू आप डायग्नोस कर सकते हैं, मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं या पहचान सकते हैं, प्लस में ट्रीट कर सकते हैं ब्रेन डैमेज को या किसी भी ब्रेन डाइस फंक्शन को. मतलब आपके ब्रेन की कोई भी ऑर्गन या पार्ट जो है फंक्शनिंग अच्छी तरह नहीं कर रहा है या ब्रेन के अंदर डैमेज हुआ है, ये चीज हम इस पर्टिकुलर टेस्ट के थ्रू पहचान सकते हैं और ट्रीट भी कर सकते हैं. ये पर्टिकुलर टेस्ट आपको एडोलेसेंट्स, एडल्ट्स और ओल्डर एडल्ट्स के लिए मिलेगा. इसका एक सेपरेट वर्जन तैयार किया गया था चिल्ड्रन के लिए फ्रॉम एज 8 to 12. ठीक है, ये मेजर एरियाज जो है जिसके अंदर आपका आ जाएगा मोटर, परसेप्चुअल, लैंग्वेज, एकेडमिक, मेमोरी एंड इंटेलिजेंस, इन सबकी फंक्शनिंग को ये असेस कर लेता है. ठीक है, तो ये वाला जो टेस्ट है ये इन सारे मेन मेन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर टिका हुआ है. फोर्थ हमारा जो टेस्ट है वो है द रे ऑस्ट्रेलियट कॉम्प्लेक्स फिगर टेस्ट. तो इस पर्टिकुलर टेस्ट के अंदर क्या होता है, ये पर्टिकुलर टेस्ट जो है रे ने दिया था 1941 के अंदर. ठीक है, ये असेस करता है, पहचानता है विजुअल परसेप्शन को. विजुअल परसेप्शन मतलब वो परसेप्शन, वो आप जो थिंकिंग डेवलप करते हो बाय लाइक व्यूइंग और ऑब्जर्विंग द थिंग्स, आपकी जो विजुअल मेमोरी जो डैमेज हो जाती है ब्रेन डैमेज की वजह से, लाइक ब्रेन डैमेज की वजह से जब आपकी विजुअल मेमोरी परसेप्शन को आप असेस कर पाते हो, आपको लाइक एक पेशेंट मिला है, इंडिविजुअल मिला है, उसकी ब्रेन डैमेज हो रखी है, तो आप उसके अगर आपको विजुअल परसेप्शन असेस करना है या विजुअल मेमोरी को अगर आपको मेजर करना है तो आप इस पर्टिकुलर टेस्ट को यूज करेंगे. ये जो है एक मेजर या फिर मोस्ट यूज टूल है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला टूल है, जिसकी वजह से हम एक इंडिविजुअल कंस्ट्रक्शनल एबिलिटीज को मेजर कर सकते हैं या फिर नॉन वर्बल मेमोरी टेस्ट भी हम इसका बेसिकली हम इसको बोल सकते हैं. इसको लाइक डेवलप किया था रे ने 1941 के अंदर और ऑस्टरिट ने डेवलप किए थे नॉर्म्स. नॉर्म्स होते हैं रूल्स जिसके बेसिस पे या फिर इंस्ट्रक्शंस जिसके बेसिस पे टेस्ट को कंडक्ट किया जाता है. तो ऑस्टरिट ने डेवलप किए थे नॉर्म्स या फिर रूल्स, इंस्ट्रक्शन फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट, बच्चों के लिए और एडल्ट के लिए बिटवीन 4 to 15 ईयर्स ओल्ड एंड 16 to 60 ईयर्स ओल्ड के लोगों के लिए इसके नॉर्म्स या रूल्स, इंस्ट्रक्शन को उसने तैयार किया था. ठीक है, तो ये था हमारा फोर्थ टेस्ट. अब हम बात करेंगे अपने फिफ्थ टेस्ट की, जो कि है अपना डेनिस कैपलान एग्जीक्यूटिव फंक्शन सिस्टम. ये पर्टिकुलर जो टेस्ट है ये आप कॉर्पोरेटिव इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं. बेसिकली एम्प्लॉयज जो होती हैं, जो नौकरी पे लगे हुए होते हैं बड़े बड़े ऑफिसेस में, वहां पे आप उनके ऊपर यूज कर सकते हैं और यूज होता भी है. आज के टाइम पे जो एम्प्लॉयर होता है, जो एम्प्लॉय को अपने साथ काम करने देता है, उनको जॉब प्रोवाइड करता है, तो वो ऐसे एम्प्लॉयज को यूज करने या लाइक ऐसे एम्प्लॉयज को हायर करने की कोशिश करता है जिनके जो कॉग्निटिव फंक्शनिंग है, जिनकी जो मेंटल फंक्शनिंग है वो बहुत ही एडवांस लेवल पे होती है और वो कंपनी के लिए या उस जॉब के लिए सूटेबल होता है. तो ऐसे ऐसे लाइक एग्जीक्यूटिव, ये एक तरीके से एक एग्जीक्यूटिव टेस्ट है जो कि यूज होता है फॉर असेसमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव फंक्शंस. जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस जरूरी है एक जॉब में, जैसे कि थिंकिंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, ये सारी जो हमें लाइक जो क्वालिटीज या एबिलिटीज एक एग्जीक्यूटिव के अंदर होनी चाहिए, इन सारी चीजों को वो असेस करते हैं, मेजर करते हैं. इसको हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं इंडिविजुअली भी या फिर ग्रुप के अंदर भी. ये एक तरीके से एक स्टैंडर्डाइज्ड मेजर होता है टू असेस एग्जीक्यूटिव फंक्शन बच्चों के अंदर भी, कि फ्रॉम चाइल्ड उस पर्टिकुलर बच्चे के अंदर वो एग्जीक्यूटिव क्वालिटीज है कि नहीं. ठीक है, बिटवीन ये चिल्ड्रन के अंदर भी आप इसको यूज कर सकते हैं और एडल्ट के बीच में भी.
बिटवीन द एज रेंज ऑफ 8 to 89 ईयर्स ओल्ड। आप इन बच्चों के ऊपर भी टेस्ट असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आर सिक्स टाइप ऑफ दिस पर्टिकुलर न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट इज डिजिट स्पैन टेस्ट। डिजिट स्पैन टेस्ट को हम इसका जो मेन एम होता है वो होता है टू मेजर एन इंडिविजुअल्स वर्किंग मेमोरी एंड असेस। एक तो मेजर करना एक इंडिविजुअल की वर्किंग मेमोरी को और असेस करना किसी भी इम्पेयरमेंट को, जो कि लाइक जो भी कमी आपके जो जो भी लाइक डिफिकल्टी है या डैमेज है आपके वर्किंग मेमोरी के अंदर। ठीक है, सो ये हो गया डिजिट स्पेंड वर्किंग नहीं वर्किंग वर्किंग मेमोरी के अंदर। ये सब कुछ आप मेमोरी चैप्टर में पढ़ेंगे कि वर्किंग मेमोरी होती क्या है। तो एक इंडिविजुअल की वर्किंग मेमोरी को मेजर करना, और अगर कोई भी इम्पेयरमेंट है लाइक कोई भी डिफिकल्टी आ रही है या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है फंक्शनिंग के अंदर आपकी वर्किंग मेमोरी के, तो उसको भी ये डिटेक्ट करने में हेल्पफुल होता है डिजिट स्पैन टेस्ट। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड व्हिच इज विस्कॉन्सिन कार्ड सॉर्टिंग टेस्ट। तो इस पर्टिकुलर टेस्ट के अंदर क्या होता है, ये एक न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट होता है फॉर लाइक सेल्फ शिफ्टिंग के लिए, एंड इट बेसिकली असेस या फिर मेजर करता है फ्रंटल लोब डिसफंक्शन। अगर आपको ब्रेन का स्ट्रक्चर याद होगा तो उसके अंदर फ्रंटल लोब एक पार्ट होता है। तो अगर आपके फ्रंटल किसी भी लाइक कोई भी एक पेशेंट है जिसको ब्रेन इंजरी है या शिज़ोफ्रेनिया जो एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है उसके अंदर वो लाइक अभी फंसा हुआ है, या कोई भी मेंटल इलनेस है, तो उसकी फ्रंटल लोब जो एक पार्ट है आपके ब्रेन का, अगर उसके फंक्शनिंग में डिफिकल्टीज आती है तो आपको उस पर्टिकुलर डिफिकल्टी को पहचानने के लिए ये टेस्ट यूज किया जाता है। इसके अंदर आपको जो है सॉर्ट आउट करने होते हैं 64 कार्ड्स दिए जाते हैं, 64 आपको सॉर्ट आउट करने होते हैं। सॉर्ट आउट मतलब उनको कैटेगरी में लाइक छांटना पड़ता है मैच करके उनके कलर्स को या फॉर्म्स को, नंबर या फिगर्स जो भी उनके ऊपर बने होते हैं उसके बेसिस पे आप उनको एक डिस्ट्रीब्यूट आउट करते हो। ठीक है, इसके जो रूल्स होते हैं वो आप देख जाते हैं, बस आपको रेफर किया जाता है कि आप फीडबैक ले लीजिए। जस्ट टेक इट लाइक रेफर इट फ्रॉम फीडबैक रिसीव फ्रॉम द पर्सन एडमिनिस्ट्रिंग द टेस्ट। आप जो जिसके ऊपर ये टेस्ट एडमिनिस्टर हो रहा है आप उसका फीडबैक ले सकते हैं, पर इसके टेस्ट के लिए आपको कोई रूल्स रेगुलेशंस आपको नहीं दिए जाते हैं प्रायरली। आपको पहले से कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको नहीं दिए जाएंगे कि आपको क्या करना है, आपको लाइक फीडबैक लेना पड़ता है, आप उसी के बेसिस पे समझ पाते हो। सो मेरा जो लास्ट टेस्ट है जो न्यूरो साइकोलॉजिकल टेस्ट है, द एथ टेस्ट इज द डाइकोटिक लिसनिंग टेस्ट। तो डाइकोटिक का मतलब होता है दो, डाई मतलब दो, ठीक है, यूनि मतलब एक, वन, तो डाइकोटिक मतलब दो, तो डाइकोटिक मतलब दो, एंड इट इज अ नॉन इन्वेसिव टेस्ट। इस टेस्ट के थ्रू कोई भी डैमेज नहीं पहुंचता है। तो इनिशियली स्टार्टिंग के अंदर क्या होता था, ये टेस्ट जो है ये यूज किया जाता था एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की सेलेक्टिव अटेंशन को मेजर करने के लिए। सिलेक्टिव अटेंशन क्या होती है ये आप मेमोरी या फिर लर्निंग वगैरह चैप्टर्स में पढ़ेंगे जो BPCC 101 पार्ट का है। तो बाद में इसको यूज किया गया टू असेस दी हेमिस्फेरिक लेटरलाइजेशन ऑफ लैंग्वेज एबिलिटी। हेमिस्फेरिक मतलब जब हम जो हमारे ब्रेन के हेमिस्फेयर्स है उसके बिहाफ पे जब हम कैटेगराइजेशन करते हैं बेसिकली लैंग्वेज एबिलिटी को, इसको जो है लैंग्वेज किसी भी पर्सन इंडिविजुअल की लैंग्वेज एबिलिटी को मेजर किया जाता है। तो ये जो है एक तरीके से एक स्टैंडर्ड लिसनिंग डाइकोटिक टास्क प्रोवाइड करता है जिसके अंदर पार्टिसिपेंट को जो है एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे उसको दो अलग अलग ऑडिटरी मतलब आवाजें स्टिमुलाई सुनाए जाते हैं। लाइक एक पर्सन है एक कान से उसको लाइक एक जो है हेडफोन सा ईयरफोन सा दे दिया जाता है और दोनों लाइक ईयर के जो ईयरफोन्स हैं उससे अलग अलग, इससे एक डिफरेंट और इससे एक डिफरेंट, दो तरीके की जो है इंस्ट्रक्शंस जो है या फिर जो दो तरीके के साउंड्स या फिर स्टिमुलाई आपको सुनाए जाते हैं अलग अलग एक साथ एक ही टाइम पे। एंड
थ्रू ईयरफोन्स बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय एक्सपेरिमेंटर, और फिर कुछ रिजल्ट्स कंक्लूड किए जाते हैं इस टेस्ट के बाद। ये एक तरीके से आपकी लैंग्वेज जो है लैंग्वेज टेस्ट हो सकता है, एंड इट इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। लाइक बहुत सारे एग्जामिनेशन जो होते हैं आर्मी वगैरह के, उसके अंदर कुछ ऐसा सही सिमिलर सा ही लिसनिंग टेस्ट जो है यूज किया जाता है। अब आती है लास्ट टॉपिक के ऊपर पर्टिकुलर यूनिट के अंदर, तो ये है रिसर्च एथिक्स इन बायोसाइकोलॉजी। जब हम बात करते हैं कि हमें बायोसाइकोलॉजी, आपने देखा होगा पूरे यूनिट के अंदर अभी तक कि बहुत सारे ऐसे ऐसे मेथड्स थे जिसके अंदर ब्रेन को स्लाइस तक किया गया था, इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए थे, केमिकल दिया गया था, इंजेक्शन दिए गए थे, बहुत सारी चीजें आपने देखने को मिली थी। तो बायोसाइकोलॉजी के अंदर जो रिसर्चेस होती है ना, उसके अंदर कुछ एथिकल नॉर्म्स होते हैं, कुछ पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस होते हैं, रूल्स एंड कुछ चीजें होती हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ती है। ठीक है, ये कुछ इस तरह है। तो ये इसके अंदर कहा जाता है कि आपको जो है बायोसाइकोलॉजी की जब आप रिसर्च करते हो तो इसकी ना गाइडलाइंस होती है, एथिकल गाइडलाइंस होती है, ये दी जाती है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है APA, एंड इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है ICMR। तो इन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आपको जो है गाइडलाइंस दी जाती है रिसर्च कंडक्ट करते समय के लिए। अगर आप रिसर्च कर रहे हैं ह्यूमन और एनिमल पार्टिसिपेंट्स के लिए, तो ये गाइडलाइंस आपको बहुत जरूरी हो जाती है फॉलो करना, क्योंकि बहुत सारे एथिकल इश्यूज हैं जो आपके किसी भी एनिमल या ह्यूमन पार्टिसिपेंट की लाइफ के ऊपर आ सकते हैं। आप शायद उनके उनके ब्रेन के हिस्से को डैमेज कर दो एक्सपेरिमेंट करते करते, उनकी लाइफ के ऊपर सवाल आ सकता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एथिकल गाइडलाइंस को फॉलो करके ही एक टेस्ट को करो या रिसर्च को करो। अगर आप एथिकल गाइडलाइंस फॉलो नहीं करते हैं और कोई भी डैमेज हो जाता है, कोई भी एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो जाता है या फिर नेगेटिव एस्पेक्ट देखने को मिल जाता है, तो आपके रिसर्च को खत्म, बैन कर दिया जाता है, डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है, और आपको पनिशमेंट तक मिल जाती है, राइट? क्योंकि आपने एथिकल गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रहे जो आपको करने बहुत जरूरी थे, राइट? तो आपके ऊपर केस भी हो सकता है। जब हम कुछ ऐसे रिसर्चेस जो जिसको एक्सप्लोरिंग नेचर के होते हैं, जिसके अंदर आपको एक्सप्लोर करना है नई चीजों को, खोजना है, डिस्कवरी करनी है, कुछ जो साइकोफिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट देंगे एक पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट के ऊपर, या कुछ टेस्ट या इन्वेस्टिगेशंस जो कि आपके सर्वाइवल को, आपके रिस्क, आपके बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएंगे, उनके लिए आपको जो है कंसेंट लेनी पड़ती है पहले से। पार्टिसिपेंट से आपको पहले से पूछना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी, सारी चीजों को उनको पहले से ब्रीफिंग करना पड़ेगा कि ये चीजें आपके ऊपर असर हो सकता है। आप अगर विलिंग होंगे सारी चीजों को जानने के बाद, तभी आपको एज अ पार्टिसिपेंट हम यूज कर पाएंगे। तो आपको कंसेंट लेनी पड़ती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पार्टिसिपेंट को सारी इन्फॉर्मेशन पहले से पता होनी चाहिए कि उसके साथ होने का वाला है, राइट? आप जब एक्सपेरिमेंट करते हैं और कोई भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस पड़ जाता है, कोई भी गलत एक दुर्घटना घट जाती है, किसी भी मेडिकल या साइकोलॉजिकल कंडीशन क्रिएट हो जाती है, तो उसी टाइम आपका वो एक्सपेरिमेंट डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है, आपको बैन कर दिया जाता है, सब कुछ खत्म कर देते हैं। अगर आपके एनिमल पार्टिसिपेंट्स यूज होते हैं जनरली, अब पहले के टाइम पे ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स भी यूज कर लिए जाते थे, पर आज के टाइम पे आपके एनिमल पार्टिसिपेंट्स ही यूज किए जाते हैं मेजरली, तो उन एक्सपेरिमेंट्स में जहाँ पे आप ह्यूमन कर सकते, ठीक है? और बहुत सारी एथिकल कंसिडरेशन होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं जब भी आप एक बायोसाइकोलॉजी के अंदर रिसर्च या एक्सपेरिमेंट करते हैं। सो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग एथिक्स इन बायोसाइकोलॉजी, राइट? ये हो गया आपका सारा कंटेंट खत्म, यूनिट 1 फिनिश, ठीक है? टोटल 4 पार्ट्स में पर्टिकुलर यूनिट आई है, क्योंकि इंपॉर्टेंट यूनिट थी, स्टार्टिंग की यूनिट थी, बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको समझाई है, आपका एक कॉन्टेक्स्ट सेटअप करा है आगे तक के पूरे एक एक यूनिट के लिए। तो दैट्स ऑल गाइस, थैंक्स अ लॉट, एंड इफ यू फाइंड द यूनिट एंड द एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द चैनल, एंड मोटिवेट मी फर्दर टू मेक सच एन कंटेंट, एंड लेट्स मूव टू एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन, एंड यू कैन क्लिक हियर फॉर मोर कंटेंट, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स, हिट द बेल आइकन, सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक्स अ लॉट गाइस, टेक केयर. Hope you find it helpful. Bye bye.